अभी तक आपने देखा यह दोनों कॉलेज टाइम से बहुत प्यार करता है, लेकिन आज कॉलेज बंद हो रहा है और यह दोनों प्रेमी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे से जुदा न हो सके इसके लिए लड़का सोचता है क्यों ना गर्लफ्रेंड के घर में नौकर बन के रहा जाए। यह आइडिया लड़की को भी बहुत पसंद आता है। बस क्या था, लड़का चल पड़ा अपनी गर्लफ्रेंड का गाँव। प्लान के अनुसार लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर में नौकर बनकर रहने भी लगता है। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं यह बात पता चल जाता है घर का यह नौकर ब्लैक कोबरा को। लेकिन ये दोनों प्रेमी कोई ना कोई तरकीब लगाकर ब्लैक कोबरा को हर बार झूठा साबित कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, किसी को किसी का प्यार इतना आसानी से मिल जाए ऐसा थोड़ी होता है। और आज लड़की का पिता लड़की का शादी कहीं और सेट कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत मजाक कर लिया बेटा, मैडम का ब्याह होगा, लेना हमार शकल कम। सुनो, इस मनुष्य इंसान को यहाँ से भगाओ नहीं तो इसका हम कपार फोड़ देंगे। इस सलाह करिया, पता नहीं कैसा नौकर रख लिया है तुम्हारा बाप। नौकर तो हम एकदम ईमानदार है, आप दोनों हमारे मालिक को चुतिया बना रहे हैं। चलिए मालिक ने सुना तो भगवान तो कम से कम सुन लिया। अब मैडम का शादी हो जाएगा। ए, तू यहाँ से चला जा वरना पापा को बोल के फिर से मार खिलवा दूंगी। ठीक, जाते हैं। यार क्या कर रहे हो, कुछ तो सोचो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। एक आइडिया है डर। क्या आइडिया? हम तुम्हारा शादी ही सेट नहीं होने देंगे। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा, लेकिन इसके लिए मुझे ब्लैक कोबरा का साथ चाहिए। क्या तुम्हें लगता है ब्लैक कोबरा तुम्हारा साथ देगा? साथ वो देगा। रियल रोशन है मेरा नाम, ब्लैक कोबरा को मनाना है बाएं हाथों तक। चलो उसे मनाते हैं। चलो ब्लैक कोबरा, देखो हम अपना छोटका भाई खातिर क्या लाए हैं। बिस्की, आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया? अरे ऐसा नहीं है, देखो तुम भी घर का नौकर है, हमू घर का नौकर है, और नौकर नौकर मसेरा भाई ना होता है रे। मस्का लगाना बंद करो, जो काम है जल्दी बताओ। आ देखो ब्लैक कोबरा, तुम भी जानते हो हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी हमसे बहुत प्यार करती है। हम इनसे शादी कर लेंगे चाहे जैसे हो। तू हमारा भाई है तो भाई का फर्ज क्या होता है? तुम कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं, आज जो लड़का वाला इनको देखने आएगा वो रिश्ता को कैंसिल करना है, किसी तरह इनसे शादी करना है आपको। देखो तुम्हारा छोटका भाई है, ये तुम्हारा भाभी लगेगी। भाभी किसी और के हाथ चल जाएगी, ये अच्छा लगेगा तुमको? अच्छा बेटा, अब समझ में आया कहे तुमको तेल लगा रहा। एकदम न मानेंगे, जाते हैं मालिक को कहेंगे क्या खिचड़ी पका रहा है तुम लोग। तुम्हें लगता है तुम्हारा बात पापा मानेंगे? फिर से लगेगा थप्पड़। देखो बाप, तुम्हारा भलाई इसी में है, हम दोनों का बात मान के तुम जो है ना हमारा साथ दो। और देखो तो और मालिक की इकलौती बेटी है, इनका जब शादी होगा यही बनेगी घर का मालकिन, और इनका शादी होगा हमरे से तो हम बनेगा घर का मालिक। ओके, तो हमरा साथ तू देगा तब रहेगा पिता में। समझा? ओके, बड़ा समझदार पाला के तू रे। बेटी चाय तैयार करके रखो, लग रहा मेहमान लोग आ गए हैं। और लगता है मेहमान लोग आ गए हैं। अरे चाय भी बनाना पड़ेगा, चलो जल्दी चलो। नमस्कार, आइए आइए।
बैठिए आप लोग जी। रेडी हो गया? जाओ ले। अभी चाय रेडी नहीं हुआ है। अब बहुत चाय रेडी। अरे ये चाय पीते ही ना लड़का बाथरूम जाते जाते थक जाएगा। बेटी आओ यहाँ पे बैठो। देखिए आपकी बेटी हमें पसंद है, हमारे तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। हाँ हाँ हमें आपकी बेटी पसंद है, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। बेटा तुम्हें लड़की पसंद है? बेटा अगर मेरी बेटी से अकेले में बात करनी हो तो बात कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं, अकेले में बात करके आते हैं। बात बाद में करेंगे, पहले बताइए बाथरूम किधर है। मालिक लड़का तो बाथरूम बहुत जाता है। हगनवा लड़का से आप अपनी बेटी का शादी करिएगा? कहिए ना, हम अपना बेटी का शादी कराएंगे हगनवा लड़का से। हमको लगता है लड़का का बवासीर। हाँ पापा ये लड़का बहुत बाथरूम जाता है, मुझे इससे शादी नहीं करना है। हमको भी वैसे लग रहा है। कहिए कैंसिल करिए रिश्ता। हाँ कैंसिल कर देते हैं। मारिए कैंसिल। माफ कीजिएगा, हम अपनी लड़की का शादी आपके लड़का से नहीं करवा सकते हैं।
मम्मी ये लड़कियों को बहुत पसंद है। बेटा अगर मेरे बेटी से अकेले में बात करना चाहते हो तो बात कर सकते हो। यकीन हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? नौकर देखना रहा है होने वाले बेटी से हम बात कर रहे हैं। नौकर दारी हमको एक नौकर खोल दिया। नौकर बॉयफ्रेंड है मेरा। क्या बॉयफ्रेंड है? हाँ। अब साबित करके दिखाए तुमको डार मेरे। साबित करके दिखाओ तो। हमको शादी नहीं करना है पापा। अरे क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे आप लोग? बाबूजी जाने दीजिए उस लड़के को, वो लड़का बोल रहा था कि हम चार चार शादी करेंगे और तुम्हें भी रखेंगे। ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है, मुझे नहीं करना है ऐसे लड़के से शादी। तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद कर लिए हो तो अकेले में जाके एक बार बात कर लो। सही बात। ए जी आप तो बहुत ही सुंदर हैं, हमको आपको देखते ही प्यार हो गया। रानी मंजुलिका हमने से शादी कर ली, तू भाग जाओ नहीं तो मार डालूंगी। क्या करूं? ये भी गया। अरे ये रिश्ता भी कैंसिल गया। बड़ा देर लगा दिया बात करने में, लगता है हम दोनों समझे बनिए जाएंगे। हाँ बात सही कह रहे। और बेटा काहे भाग रहा है? साला हर बार लड़का काहे भाग जाता है? बाबू कब तक ये खेल खेलेंगे, अब तो पापा को भी शक हो गया है। बात तो सही बोल रही है। बात मत बता दी, इतना सोच कह रहे हैं, बाकी शादी कर लीजिए। इधर आओ। बैठो। क्या हो? एक बार पहले नहीं बता सकता। अभी क्या हुआ, अभी भाग जाइए, बाकी शादी कर लीजिए। तुम सही ऑडियो लगाया तुम। लेकिन तुम्हारा पापा देखेगा तब? पापा तो अभी सोया है। चलिए ना आपके साथ है। ठीक। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, मालिक सुतल है।
आप लोग ये सुनकर भाग जाइए। ठीक है ब्रो, तो भाई होने का पूरा दिन बाली है। थैंक यू। चलो भाग गया। मालिक मालिक है, मालिक मालिक है, मालिक 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 है, मालिक क्या हुआ ने खा लें दाँत पे नींद खराब कर रहा है। मालिक आपके बेटे नौकरवा सिंह भाग गई क्या? मैं तो अब अपने दोस्त को कॉल करते हैं। ठीक हेलो दोस्त, हमको तुम्हारा हेल्प चाहिए दोस्त। हम अपने जाने मन को लेकर भाग गए हैं। अरे वाह दोस्त, तुम तो बड़का आशिक निकल गया, भाभी को लेके भाग ही गया। थैंक यू दोस्त, तुम मेरा हेल्प किया। दोस्त तुमको ऐसा लोकेशन पे लेके आए हैं ना जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ नहीं सकता है। थैंक यू दोस्त। और तुम अपने प्यार के साथ ना आराम से यहाँ रह सकता है। थैंक यू दोस्त। एक बात याद है तुम्हें? क्या? जब तुमने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था तो क्या बोला था? यही बन जा तू मेरी रानी, तेनु महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनु ताज पवा दूंगा, बन मेरी रानी रानी। यही वाला गाना गाए तो तुम हमसे पट गई थी। और अभी क्या करवा रहे हो? मुझे नहीं बनाना है खाना, खुद बनाओ। बनाओ आप तुम। ठीक है बना देते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ नौकरी लग रहा हूँ, तुझे ना खाने बनाया, पूरा जिंदगी तुमको खाना बना के खिला सकते हैं। इधर खुजला रहा है। हाँ सर। क्या सुकून मिल रहा है, थोड़ा इधर भी। क्या मजा आ रहा है, थोड़ा इधर भी खुजवा दो। हमको तो लग रहा है सर आपको दांत खाद खुजली हो गया है, चमड़ रोग वाला डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा आपको। बोलिए सर क्या समस्या है आपकी? हमारी बेटी को कोई रात में किडनैप कर लिया सर। किडनैप? मालिक जी झूठ काहे बोल रहे हैं, आपकी बेटी नौकरवा के साथ भाग गई। अच्छा आपकी बेटी भाग गई है, शर्मा क्यों रहे, उसको भी खोज देंगे हम। थैंक यू दरोगा जी, हमरा बेटी को खोज दीजिए। जरूर खोज देंगे, आपकी बेटी मोबाइल लेके भागी है का? हाँ शायद लेके भागी होगी। फोन लगाइए तो। अच्छा ठीक है दरोगा जी, लगाते हैं हम फोन। अरे पापा का कॉल, उठा लेती हूँ, पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे ना।
पापा। कहाँ हो बेटी? मैं तो भाग गई हूँ रोशन के साथ। तू नौकरवा संगे भाग के बेटी अमर नाक कटवा दी। आपको जो बोलना है बोलिए पापा। रोशन हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी रोशन से बहुत प्यार करते हैं। हम रोशन से ही शादी करेंगे, हम नहीं आएंगे घर। अब बेटी तुम जल्दी घर आओ बेटी। घर आएंगे तो ब्याह करवा दीजिएगा ना। वो नौकरवा से तो बेटी ब्याह कराएंगे, उतना से बढ़िया लड़का खोज के तो और ब्याह करवा देंगे। अब बेटी तू घर आ जाओ। क्या नौकर? ये आपके लिए नौकर होगा पापा, लेकिन मेरे लिए मेरा प्यार है। मैं शादी तो इसी से करूंगी, नहीं आऊंगी मैं घर। रखिए फोन। दरोगा जी बेटी फोन काट दिए। काट दिया तो क्या हो गया? अब देखो कैसे खेल बेल करते हैं। अभी उसका लोकेशन ट्रैक करते हैं हम। वाह, मानना पड़ेगा आपको सर, क्या दिमाग लगाए हैं आप। अगर इसी तरह खुजली पे मलहम लगाइएगा तो ठीक हो जाएगा सर। चलो काम पे फोकस करो। चलिए सर। तो बोलता है टेंशन मत लीजिए, सही लोकेशन दिखा रहा है। ये कॉल दी ना आपकी बेटी को। दमान जी, तू ही है वो लड़का जो मेरी बेटी को खुश रख सकता है। मेरी बेटी के लिए तो नौकर बना, स्कूल लेके भाग गया। तुमसे ज्यादा इसे कोई नहीं प्यार कर सकता है। चलो तुम दोनों का शादी करवा देते हैं। Thank you, Pasquale.